वैसे कि आपके पास कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, मुफ्त में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म करा दूंगा और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दूंगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह है कोरोना वायरस की दवा मिलने का दावा। कुर्सी पर बैठा ये शख्स ये दावा कर रहा है कि उसे कोरोना की दवा मिल गई, लेकिन दवा बताने के लिए इस शख्स ने एक शर्त रखी है और शर्त यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर मिलेंगे तभी दवा के बारे में बताएंगे। जैसे एक बात और सुनने में आई है कि आप कोई भी बीमारी की जो जड़ी बूटियां जैसे लुकमान जो बहुत बड़े वैद हुए हैं लुकमान हकीम साहब उनको बीमारी की जड़ी बूटियां बताती थी कि मैं फला मर्ज की दवा वैसे कि आपके पास कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुलाकात कर ले या हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब 2 मई से एक आज मुलाकात कर ले। मुफ्त में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म करा दूंगा और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दूंगा। वो वरना अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे हमसे मुलाकात नहीं करेंगे तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और सेंट्रल में कांग्रेस या खरीद फरोख्त का सौदा शुरू हो गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात सुन ले, अरे प्रधानी के इलेक्शन रोक दे, प्रधानी के इलेक्शन रोक दे, अगर प्रधानी करवाए तो कई भैंस पानी में। अच्छा नेताजी एक बात ये बताइए, जैसे जो कोरोना का इलाज के आपके पास इलाज है कोरोना की बीमारी का, और एक बात ये जैसे हकीम लुकमान को जड़ी बूटियां बताती थी हम फला मच की दवा, ऐसे जड़ी बूटियां क्या आपको बताती मैं फला मच की दवा हूँ? आप बहुत लंबा कीजिए, टाइम कम है, हम कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे ये मेरा वादा है। मुफ्त में 1 रुपया मांगी तो हाथ पे थूक दो और न खत्म करी तो चौराहे खड़ा करके गोली मार दो उनका। अच्छा और क्या, 2 मई से एक आदमी का मिलना जरूरी है, चाहे मुख्यमंत्री मिले और चाहे प्रधानमंत्री मिले, चाहे 2 मई से एक मिले जी। अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अब हम आपसे अलविदा ले, खुदा हाफिज करते हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपने वीडियो में बड़े बड़े दावे करने वाले ये शख्स कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो से मिली जानकारी के मुताबिक इनका नाम लाडले नेता है और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रहने वाले। इन्होंने अपने वीडियो में सिर्फ कोरोना के इलाज का दावा नहीं किया है बल्कि ऐसे ऐसे दावे किए हैं कि आपको यकीन तो नहीं होगा लेकिन सुनकर मजा जरूर आएगा। तो आप भी लाडले नेता का ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कैसे हैं आप? ठीक हूँ साहब, फर्स्ट क्लास हूँ, अल्लाह का करम, अल्लाह के नबी का करम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करम, हजरत अली का करम, ठीक हूँ। इस समय आप बहराइच जिले में, क्या लमसम पूरे यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है कि लाडले नेता कोरोना का इलाज लाडले नेता ने ढूंढ लिया है? और एक सुनते हुए एक खबर ये भी आई है कि आपको आपकी रूह फरिश्ता निकालने आएगा तो उसका आपके वो पूछ के आपसे आपकी रूह निकालेगा, कुछ ऐसा सुनने में आया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हुजूर आला गौर फरमाए हमारी बात पर, हमारे यहाँ अचानक मौत किसी को नहीं आती कि कहूँ के वो मर गए। नहीं, हमारे यहाँ के मतलब आपसे है कि अब हमारे देश के राष्ट्रपति गए लेटिन वहाँ मर गए। हाँ, लेकिन आप हमारे नहीं होता है। आपके हमारे यहाँ मौत की तिला हमारे बाप को 15 साल पहले आई, फिर 5 साल पहले आई, फिर तीसरी बार आई तो फरिश्ते आ गया, तीसरी बार में फरिश्ते आ जाता है जितना चंटा बढ़वा लो। अच्छा, आप फरिश्ते से अपनी उम्र बढ़वा सकते हैं? उम्र टाइम बढ़वा लो यार। अच्छा, टाइम बढ़वा सकते हैं? हाँ, जितना टाइम बढ़वा लो फरिश्ता साथ में रहेगा, जब आप कहो कि रूह कब्ज करो तो वो रूह कब्ज करेगा। अच्छा, बगैर जैसे रूह कब्ज नहीं करेगा। आपकी वालदा मोहतरम का नानपारे में इंतकाल हुआ था, उसमें नहीं हुआ था, आप गलत कह रहे हैं। हमारी माँ नेपालगंज में थी जी, तो मौत का फरिश्ता आया, उसने सलाम किया, अपना तारुफ कराया कि मैं फला फरिश्ता हूँ, मेरा ये नाम है, मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ, जो टाइम चाहो बढ़वा लो, आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो हम इलाहाबाद में थे, तो कहीं हमारा बेटा लाडले तो इलाहाबाद गया है और अब यहाँ नेपालगंज में, तो कहीं तो फरिश्ते ने कहा तुम जितना टाइम चाहो बढ़वा लो। जी जी जी। अम्मा ने कहा कि हम बहराइच जाना चाहते हैं जी, तो कहीं चलो जाओ भाई, हम साथ में रहेंगे, जब आप कहेंगे तभी रूह कब्ज करेंगे जी, बगैर बताए आपके हम रूह आपकी कब्ज नहीं करेंगे जी। जितना काम आपका कर लो
और जो टाइम जाए बढ़वा दो, हम साथ में हैं। अब फरिश्ता साथ में रहा, बहराइच चाहे हमको फोन किया, हम इलाहाबाद से आ गए, यहाँ जिन लोगों से मिलना था मिल लिया, और ये कहते कि भैया हम फरिश्ता मौजूद है, किसी का लेन देन हो ठीक कर लो। अच्छा, हमसे सारी बात पहले हो चुकी थी अम्मा से, तो कमर में सिलवा के रख लिया था अम्मा ने, खर्चा वगैरह सब इंतजाम हो गया था जी। तो फिर फरिश्ता पेश हुआ कि सब ठीक हो गया, कहे ना सब ठीक हो गया, तो कहा अब कोई काम कहीं जोर पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ लिया जी, पानी पी लिया, लेट गई। फरिश्ते ने कहा कहना अब रूह कब्ज करो, तब रूह कब्ज किया। आपके यहाँ आप बगैर इजाजत के रूह कब्ज नहीं होती? हाँ, हमारे यहाँ पुश्तैनी सिलसिला है। जैसे एक बात और सुनने में आई है कि आप कोई भी बीमारी की जो जड़ी बूटियां, जैसे लुकमान जो बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, लुकमान हकीम साहब, उनको बीमारी की जड़ी बूटियां बताते थे कि मैं फला मर्ज की दवा, वैसे ही कि आपके पास कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मुलाकात कर लें, या हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी साहब 2 मई से एक आज मुलाकात कर लें, मुफ्त में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म करा दूंगा और दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दूंगा। वरना अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, तो समाजवादी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी और सेंट्रल में कांग्रेस या खरीद फरोख्त के सौदा शुरू हो गया। हाँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात सुन ले, अरे प्रधानी के इलेक्शन रोक दे, प्रधानी के इलेक्शन रोक दे, अगर प्रधानी करवाए तो कई भैंस पानी में। अच्छा नेताजी, एक बात ये बताइए, जैसे जो कोरोना का इलाज की आपके पास इलाज है कोरोना की बीमारी का, और एक बात ये हो जाए, जैसे हकीम लुकमान को जड़ी बूटियां बताती थी हम फला मच की दवा, ऐसी जड़ी बूटियां क्या आपको बताती मैं फला मच की दवा हूँ? आप बहुत लंबा कीजिए, उतना लंबा ना कीजिए, टाइम कम है। हम कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, ये मेरा वादा है। मुफ्त में एक रुपया मांगे तो हाथ पे थूक दो, और न खत्म करी तो चौराहे खड़ा करके गोली मार दो उनका। अच्छा, और क्या, 2 मई से एक आदमी का मिलना जरूरी है, चाहे मुख्यमंत्री मिले और चाहे प्रधानमंत्री मिले, दो मई से एक मिले जी। अच्छा ठीक है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अब हम आपसे अलविदा ले, खुदा हाफिज करते हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, ठीक, खुदा हाफिज, खुदा।